हे फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं आज वीम बैकअप के बारे में। तो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर है वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन, उसके बारे में बताने वाला हूँ। इसके थ्रू आप अपने हाइपर वी एंड वर्चुअल मशीन वीएमवेयर का जो भी है वो बैकअप्स ले सकते हो। सो ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो है वीम बैकअप एंड एप्लीकेशन वर्जन 11 कम्युनिटी एडिशन। सो कम्युनिटी एडिशन के अंदर क्या है कि एटलीस्ट जो है आप 10 इंस्टेंसेस जो हैं, 10 इंस्टेंसेस का आप बैकअप ले सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोर्ट नहीं रहता बट बैकअप आप इजीली कर सकते हो। सो इंस्टॉलेशन मैंने कर ली है। इंस्टॉलेशन के लिए इसका एक ISO फाइल आपको डाउनलोड करना होगा वीम के साइट से, जिसका जो साइज़ है तकरीबन वो है 10 GB के करीब। ऑलराइट, सो ये 10 GB का ISO है एंड जो इसके इंस्टॉलेशन है वो भी एटलीस्ट जो इंस्टॉल होने के बाद मैं आपको दिखाऊँ, ये इंस्टॉल हुआ है प्रोग्राम फाइल्स के अंदर। सो प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जो इसकी वीम वाली फोल्डर है, इसकी साइजिंग भी अप्रोक्स जो कंज्यूम करती है वो वही है, 9-10 GB के करीब आपका ले लेगा। ठीक है, एंड उसके बाद जो फर्स्ट ग्राफिक है इसका, जो UI है वो ये है। जैसे ही आपने वीम सॉफ्टवेयर को ओपन करोगे तो ये वाला इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। राइट, सो साफ साफ देख सकते हो आप यहाँ पे कम्युनिटी एडिशन है। तो कम्युनिटी एडिशन के अंदर जो है भाई ज़्यादा कुछ खास तो मिलेगा नहीं, बट यस डेमो एंड POC तो हो ही सकती है। एग्जैक्टली, सो करंट वर्जन अपना कम्युनिटी एडिशन है। क्या क्या मिल जाता है इसके अंदर? 10 वर्कलोड, नो सपोर्ट, ठीक है जी, लिमिटेड आइटम लेवल रिकवरी, लिमिटेड स्टोरेज इंटीग्रेशन, नो ऑब्जेक्ट स्टोरेज इंटीग्रेशन एंड नो बैकअप टेस्टिंग। बैकअप का टेस्टिंग भी नहीं कर सकते हो। नो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग, कोई मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग नहीं होती है। एंड नो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, नो कनेक्ट टू सर्विस प्रोवाइडर्स। ओके, सो ठंड बहुत है, कंबल ओढ़ लेते हैं। ओके जी, एंड फिर शुरू करते हैं। रात के बज गए हैं 12, 12 से ज़्यादा ही हो रहे हैं, काम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना इंफ्रा की बात करते हैं। इंफ्रा में क्या है, ये मेरे पास एक हाइपर भी है, हाइपर भी मैनेजर आप देख सकते हो। यहाँ पे मेरे दो CCTV के ये सर्वर्स इंस्टॉल है, ऑलरेडी रनिंग है, देख सकते हो आप। सो इसका बैकअप लेना है अपने को, इसका बैकअप शेड्यूल करना है। बैकअप कहाँ करना है वो मैं दिखाता हूँ। सो बैकअप करने के लिए मेरे पास जो यहाँ पे है वो एक स्टोरेज है, QSAN का NAS है, ये वाला है। ठीक है, इसमें अप्रोक्स 750 TB का ये मतलब QSAN है। तो इसमें एक 10 TB का जो है, 10 TB का हमने एक फोल्डर, ठीक है जी, एक फोल्डर है VM बैकअप, साइज़ देख सकते हो आप 9 TB, यहाँ पे वाला 9 TB ये एलोकेट किया है इसको सिर्फ इसके बैकअप्स के लिए। ठीक है, सो साइजिंग देख लिया आपने। अब क्या है कि इसी को ना अपने को लिंक करना है। तो चलिए VM बैकअप की बात करते हैं। बैकअप के ऊपर सबसे पहले आपको रिपोजिटरी क्रिएट करनी है, जहाँ पे भी आप बैकअप्स को रखोगे। तो रखने के लिए जो बैकअप है वो ये है, आपको आना है बैकअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, बैकअप एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले एक बार लाइसेंसेस दिखा दूँ इसके। देखो कम्युनिटी एडिशन लाइसेंस है, फ्री वाला है, वही जो मैंने आपको दिखाया। अगर आपके पास पेड है, लाइसेंस आपने परचेज़ किया है, बाय किया है, तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हो। आप डेमो लाइसेंस भी ले सकते हो, शायद 90 या 30 डेज या पता नहीं 180 डेज का कुछ रहता है, वो आप लेके पूरा फुल कर सकते हो। तो सबसे पहले ना बैकअप रिपोजिटरी तैयार कर लेते हैं, जहाँ पे अपनी बैकअप रखी जाएगी। सो बैकअप इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ये वाला बैकअप रिपोजिटरी, ठीक है, बैकअप रिपोजिटरी में एक बार आना है आपको। बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ड्राइव है आपकी, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी ड्राइव है वो उसमें इंस्टॉल होता है, वहीं जाता है। तो यहाँ पे ना आपको ऐड करना है। तो मैं ऐड करने वाला हूँ एक रिपोजिटरी, ऐड कर लेते हैं, ऐड रिपोजिटरी। नेटवर्क अटैच करेंगे बिकॉज हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं है, और उसमें भी NFS लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप अपने रिपोजिटरी का नाम दे सकते हो, बैकअप रिपोजिटरी 1 NFS, बैकअप रिपोजिटरी 1
NFS backup repository one, ठीक है, कमेंट्स दे सकते हो आप बैकअप रिपोजिटरी 9 3 4 पर भी VM, ठीक है, ये दे सकते हैं। जो भी समझ में आए, जो भी नोट आपको सही लगे करके नेक्स्ट कर लेते हैं। यहाँ पे पाथ देना है, तो पाथ आप देख सकते हो कि ऑलरेडी ये वाला है 236 है, सो 236 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है जी, एंड 236 यहाँ पे मेंशन करना है और फॉर्मेट ये यूज़ करना है, ठीक है, फॉर्मेट जो है ना बिल्कुल ये सर्वर का एड्रेस देने के बाद सेमी डबल कॉलम फॉरवर्ड फ्लैश, ठीक है, सो ये हो गया फॉरवर्ड स्लैश और जो भी फोल्डर का नाम था VM बैकअप, चेक कर लेते हैं, ठीक है जी, VM बैकअप सेम नाम है ना ये वाला VM बैकअप, ओके। और एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको ना, NFS होस्ट के अंदर जो भी आपकी स्टोरेज है उसमें ये ज़रूर चेक कर लेना कि पर्टिकुलर पाथ को आपने वो IP एड्रेस यहाँ पे अलाइन करके रीड एंड राइट का परमिशन ज़रूर देना आपको, ठीक है, ये वाला, ये देने के बाद जिसके थ्रू भी आप इंस्टॉल कर रहे हो, अगर इसका लोकल होस्ट आप चेक करो, सो ये वाला, ठीक है जी, ये ऐड कर लेना है ताकि पर्टिकुलर IP को अलॉट कर सके वो। यहाँ पे फिर उसके बाद से गेटवे आपको ऑटोमेटिक पे रखना है, नेक्स्ट कर लेना, बाय डिफ़ॉल्ट जो भी सेटिंग्स है ना अभी हम वही रखने वाले हैं। तो एक रिपोजिटरी 9 TB की मैंने बताई थी, वो आ गई है, कंक्यूरेंट टास्क वगैरह सब कुछ एज इट इज़ करके एडवांस में एक बार अलाइन बैकअप फाइल डेटा ब्लॉक्स, ठीक है, डीकंप्रेस बैकअप फाइल डेटा ब्लॉक्स बिफोर स्टोरिंग, नहीं, सो ये बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, नेक्स्ट कर लेना है अपने को। माउंट सर्वर, कौन सा सर्वर, ओके, लोकल होस्ट क्रिएटेड बाई, ठीक है, सो यहाँ वाला ये जो ऑप्शन है ना, एक यहाँ पे कैशे फोल्डर ये क्रिएट करता है, बिकॉज डायरेक्टली कुछ भी अगर डायरेक्टली आपको ऐप रीस्टोर करना है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ना ये वाला ये सब, तो स्पेसिफाई अ सर्वर टू माउंट बैकअप्स व्हेन परफॉर्मिंग एडवांस रीस्टोर फाइल एप्लीकेशन इंस्टेंट VM रिकवरीज, तो एक कैशिंग फोल्डर सबसे पहले वो कैश करेगा, कैश करके एग्जैक्ट जो रिपोजिटरी है वहाँ से उठाएगा और कैशिंग पे लेके आएगा, फिर आपका रीस्टोरिंग प्रोसेस करता है, ठीक है, सो एटलीस्ट आपको सर्वर सेलेक्ट करना है, तो बाय डिफॉल्ट अपना यही सर्वर है, सब कुछ यही वाला है, तो CCTV सर्वर करके जो बाय डिफॉल्ट है मेरा वो सेलेक्ट किया एंड अप्लाई कर लेना है। ऑलरेडी मैंने इसको पहले भी यूज़ किया था इसलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है, नहीं तो फ्रेश में वो फ्रेश इंस्टेंस को ही डालेगा, ठीक है, सो ये होने देते हैं, फटाफट हो गया है, ये होने के बाद नेक्स्ट कर लेना है, ओके एंड फिनिश। तो चेंज करना है आपको या पहले वाले रखना है, चेंज करना है तो यस कर दो, अब जो भी है आपका मेन ये बन गया, ठीक है, सारी चीज़ें यहीं, आपकी रिपोजिटरी यहीं सब कुछ बनेगा बैकअप। अब अपने पास बैकअप रिपोजिटरी तैयार हो गया है, तो जिसका बैकअप लेना है वो ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी, सो आते हैं इन्वेंट्री में, वर्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी आपका यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट हाइपर भी दिखेगा आपको, अगर सेम लोकल होस्ट पे हो आप, सेम आइदर यहाँ से जाके आप ऐड कर सकते हो VM एरिया हाइपर भी जो भी, ठीक है, सो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे एडेड है लोकल होस्ट, दोनों VMs यहाँ पे आपको दिख जाएगी, सो इस वाले का अपने को बैकअप करना है, राइट क्लिक करो आप इसके ऊपर, ऐड टू बैकअप जॉब न्यू जॉब, ओके, बैकअप जॉब 1 और सेम नाम दे दूंगा मैं,
सेंट्रल पी स्टोर, ठीक है जी। हाई प्रायोरिटी कर लो, क्योंकि अगर आपको ये बहुत क्रिटिकल है तो हमेशा इसको हाई प्रायोरिटी पर रखो। एक्चुअल साइज जो इसकी 25.5 GB है, अगर इसके अंदर कोई अगर हार्ड ड्राइव बनाया है, CD, E ड्राइव, उसको आप एक्सक्लूड करना चाहते हो तो यहाँ से हटा सकते हो आप, ठीक है, डिस्क में। बट ये सिंगल ड्राइव है तो कुछ भी हटाना नहीं है। नेक्स्ट कर लेता हूँ। हमेशा ऑफ होस्ट प्रॉक्सी ही सिलेक्ट करना है आपको, बाय डिफ़ॉल्ट है भी। बैकअप रिपोजिटरी यहाँ से चेंज कर लेना है जो हमने क्रिएट किया था। एंड रिटेंशन पॉलिसी कितने दिनों की बनानी है, तो 7 दिनों की रिटेंशन पॉलिसी है। मीनवाइल आप बढ़ा घटा सकते हो। सेकेंडरी डेस्टिनेशन यानी इसका कोई एक और कॉपी रखना चाहते हो आप तो वो भी बना सकते हो, बट उसके लिए आपको पहले पॉलिसी में ये बनाना होगा, ठीक है। सो ये भी छोड़ देते हैं और बढ़ते हैं आगे एडवांस के अंदर। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो बैकअप है रिवर्स इंक्रीमेंटल हो, इंक्रीमेंटल, ठीक है, चूज़ कर सकते हो आप। सो अगर रिवर्स करते हो तो लास्ट वाला जो स्टेट है आपका हमेशा वो फुल बैकअप होगा। सो आज जो भी डेटा एक्यूमुलेट होगा फुल वाले में ऐड हो जाएगा और एक फुल बैकअप रेडी हो जाएगा। इंक्रीमेंटल में एक फुल बनेगा फुल बैकअप, और उसके बाद से जो डेली डेली चेंजेस हैं आप जो भी यहाँ पर सिलेक्ट करोगे एक हफ्ते का, तो आज एक बना, ठीक है, सैटरडे को फुल, तो बाकी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे इंक्रीमेंटल्स बनेंगे, एंड अगेन सैटरडे को एक फुल बैकअप बनेगा, ठीक है। सो एक फुल बैकअप, एक फुल बैकअप। तो इसका आप रिटेंशन रख सकते हो कि कितने दिनों का पहला वाला फुल कब तक रहे, ओके। सो वो आप कर सकते हो, तो हम एक हफ्ते का रखते हैं। एक्टिव फुल बैकअप पीरियोडिकली, ठीक है जी, ओके कर लेना है। बाकी चीज़ें भी आप देख सकते हो आगे, मेंटेनेंस वगैरह कर सकते हो, स्टोरेज अगर डी डुप्लीकेशन वगैरह कंप्रेशन करना हो तो आप यहाँ पे स्टोरेज में ये सारी चीज़ें ऑप्टिमल सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, किस तरह का कंप्रेशन हो, ठीक ठाक हो, बहुत एक्सट्रीम, बट जितना आप कंप्रेशन हाई करोगे आपके CPU के ऊपर और RAM के ऊपर उतना ही लोड पड़ेगा, ठीक है जी। ये देखो, सो अगर स्पेस की कोई मारा मारी नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हो। ओके कर लो, नेक्स्ट एंड रन द जॉब ऑटोमेटिकली। तो जो भी आप पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट करोगे उस वक्त ये आपका जो जॉब है वो शेड्यूल हो जाएगा ईच एंड एवरी डे। तो डेली एट दिस टाइम एवरी डे ले लेते हैं, ठीक है, और ये सारा आप सेट करने के बाद अप्लाई कर दो और एक बैकअप तो अभी क्रिएट हो जाएगा जैसे हम फिनिश करते हैं। फिर आप जैसे ही होम पे आओगे तो यहाँ देखोगे एक बैकअप जो है ना आपका चलने लगा है, ठीक है, ये वाला। सो अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपका ये जो बैकअप है वो कंप्लीट हो जाएगा, और अगर कोई एरर आ जाता है तो आप वो चेक कर सकते हो कि एरर किस रीज़न से आया है। तो माइट भी मैंने पहले भी इंस्टॉल किया था तो हो सकता है कि एरर देखने को मिल जाए। लेट्स सी, ओके, तो एक्चुअल में अपनी बैकअप स्टार्ट हो गया है बिना किसी एरर के। सो यहाँ पे थ्रूपुट देख सकते हो आप, ठीक है, 25 GB या 29 GB, कितना 25 GB का ये अपना फाइल है, ठीक है जी। और जो स्टार्ट टाइम है, जॉब अपनी स्टार्ट हुई है ना, वो भी आप यहाँ देख सकते हो। ड्यूरेशन इसको 1.5 मिनट हो गए स्टार्ट हुए, सो एक्चुअल में 1.5 मिनट 2 मिनट होने जा रहे हैं। और यहाँ पे आप चाहो तो टास्क मैनेजर में भी इसका कंजप्शन देख सकते हो। अभी क्या है, 2.5 MB के करीब जो है कंजम्पशन ऑलरेडी हो रही है। कितना हमने फॉरवर्ड कर दिया ये देखो, सेंड एंड रिसीव में दिख जाएगा अपने को, ठीक है, ये देखो 785 MB, 609 MBPS सेंड, ठीक है जी, ये चल रही है इसकी स्पीड। सो एक बार ये भी देख लो कि जैसे ही जॉब फिनिश होता है, जॉब अपना कंप्लीट है, अभी जो अपना मेमोरी कंजप्शन है 87% पे है,
एंड अभी जो है 2.3.9 4.0 जा रहा है। 10 क्योंकि इसके अंदर जो है वो 10 Gbps की स्पीड है लैंड पोर्ट की, लिंक एग्रेशन किया हुआ है, LSAP किया हुआ, तो 20 Gbps का थ्रूपुट मिल जाता है इस पर। ठीक है, सो ऑलमोस्ट यहाँ पे बैकअप मतलब कंप्लीट होने वाला है। ये देखो 15 GB करीब प्रोसेस हो चुकी है ऑलरेडी, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटस में भी 4% कंप्लीटेड। सो ओवरऑल अब तक तकरीबन 4.5 मिनट हो गए हैं, एंड जो यहाँ पे भी आप स्पीड जो इसकी एक्चुअल स्पीड है ना वो यहाँ पे भी देख सकते हो आप, इधर 204 Mbps/s चल रही है दबा के। ठीक है, अभी देखो कंप्लीट हो गया अपना। सो बैकअप जॉब आपका यहाँ पे सक्सेसफुली बिना किसी एरर के ये कंप्लीट है। अब एक बार जो आप ये बैकअप कंप्लीट हो गया है तो आप इसको अब वापस से सेम अगर इसी बैकअप पे जाते हो, ठीक है, तो ये आप सक्सेस का यहाँ पे स्टेटस देख सकते हो, एंड अब वापस से अगर इसको आपको रीस्टोर करना है तो आपको जॉब में आना है। ठीक है, जॉब्स में ये रहा अपना बैकअप जॉब, और यहाँ जो है ना सॉरी ये वापस से शेड्यूल्ड है, तो अगले दिन फिर से आज क्या है, आज एक फुल बैकअप बन गया आपका। ठीक है, फुल बैकअप बन गया है, चाहो तो आप मैन्युअली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, और एक्टिव फुल, बट बाय डिफ़ॉल्ट जो कल होगा वो आपका इंक्रीमेंटल होगा। अगर आपको इसको रीस्टोर करना है तो आना है डिस्क में, सो यहाँ पे आपने ये बैकअप लिया हुआ है और इसके अंदर, ठीक है जी, ये वाले VM का आपने बैकअप ले लिया है। अब इसके अंदर राइट क्लिक करोगे, इंस्टेंट रिकवरी कर सकते हो आप, रीस्टोर एंटायर VM फाइल्स इसके अंदर भी जा सकते हो, और कुछ पर्टिकुलर फाइल्स को आप रिकवर कर सकते हो। ठीक है, रीस्टोर टू Amazon EC2 क्लाउड के ऊपर भी रिस्टोर कर सकते हो, Azure, रीस्टोर टू गूगल, एंड या तो फिर इसका आप एक बैकअप ले सकते हो। ठीक है, नॉर्मल। सो अगर मैं इंस्टेंट रिकवरी में जाता हूँ, सो इंस्टेंट रिकवरी में देख सकते हो आज ही बैकअप लिया गया है, एंड इंस्टेंट रिकवरी करने के बाद नेक्स्ट रीस्टोर टू द ओरिजिनल लोकेशन जहाँ से इसने बैकअप लिया था, सेम उसी हाइपर वी के अंदर अगर आपने वो डिलीट कर दिया है तो उसी पे वापस से इसको रीस्टोर कर सकता है, या फिर अगर आप कोई अदर ऑप्शन देना चाहते हो अदर लोकेशन पे, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो, रीस्टोर टू अ न्यू लोकेशन। अगर न्यू करते हो तो फिर वह उसका पूरा आपको सर्वर का हाइपर वी का यहाँ पे आपको पाथ्स वगैरह एक्सेस करके पहले जो लोकली आपने बैकअप लिया है उसको सेलेक्ट करना है, नेक्स्ट करना है, देन आगे पूछेगा आपसे कि जहाँ पे करना है, ठीक है जी, टोटल करना है या सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन, तो टोटल करने के बाद नेक्स्ट लिया आपने। सोर्स तो ये है, ठीक है जी, ये सोर्स है, अभी आपको यहाँ पे डेस्टिनेशन देना है। अभी डेस्टिनेशन आ जाएगा, सो ये कहीं और भी दे सकते हो, बाकी ओरिजिनल लोकेशन पे आपको देनी है, तो नेक्स्ट सेम वही चीज़ है। ठीक है, आप करोगे वापस चला जाएगा, चाहो तो आप रीस्टोर एंटायर VM, सेम वही चीज़ है, ओके, इंस्टेंट रिकवरी में एग्जैक्टली फटाफट एकदम पाथ देना है सेम जहाँ से लिया बैकअप, एंड रिस्टोर कर सकते हो आप, या इसका कोई एक बैकअप बनाना चाहते हो तो यहाँ से एक बैकअप बना सकते हो सेम लोकल डिस्क में। ठीक है, सिंपल है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड कुछ
और अच्छी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं या मैं उसको बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि उसके ऊपर भी कुछ वीडियोस बना सकूं। चलिए तो अब तक के लिए गुड नाइट एंड टेक केयर, ठंड बहुत है, बाय बाय।